तो अब हमारे पास मैं फिर से समझाता हूँ, देखो ध्यान सर से समझ। सर हाँ इसमें फिसलने वाला कॉन्सेप्ट तो हमने लगाया नहीं जीवन में। अभी लगाया ना, देखो अभी देखता हूँ मैं तुम्हें, तो एक और क्वेश्चन दूंगा इसी टाइप का। जैसे हमारे पास 12 मीटर का पोल है, ये समझ में आ गया होगा। अब ये 12 मीटर के पोल में हमारे पास 12 मीटर का पोल है, तो अगर हम पहला जंप करा, हमने मान लो 3 मीटर का, हम 3 मीटर जा रहे हैं पहले जंप में, 3 मीटर गए। अब क्या क्या, फिर इसमें 2 मीटर हम फिसल गए वापस, तो हमने कवर किया 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में हमने कवर किया 1 मीटर, जितना भी हो पाया 1 मीटर कवर किया, हर 1 मिनट में। तो ये जब तक 9 मीटर तक होगा, 9 मीटर तक हमने सेम प्रोसेस की होगी, 9 मीटर तक हमने 9 मिनट लगाए होगा, चढ़े फिर फिसले फिर चढ़े फिर फिसले फिर चढ़े फिर फिसले फिर चढ़े फिर फिसले, ऐसा चलते रहा 9 मीटर के बाद, 9 मीटर तक, और 9 मीटर में हमें 9 मिनट लग गए। अब हमने 9 मीटर के पास, अब इस पोल की लेंथ जो बची हुई है वो कितनी मीटर बची है, 3 मीटर बची। सर अब 3 मीटर बचेगी तो अब बंदर है, बंदर ने जंप किया तो कहां पहुंच जाएगा वो, टॉप पर पहुंचेगा। और क्वेश्चन यही था कि टॉप में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब जैसे जंप किया तो हम 1 मिनट और ऐड करते रहे, अब हमारी तरफ से फिसले या कुछ करे उससे कुछ लेना देना नहीं है हमारा, हमने 10 मिनट और टॉप पर पहुंच गया, टॉप के बाद फिसले फिर चलते रहे, क्या करना, ठीक है। खाली टॉप में पहुंचने की बात हुई थी, ऐसा है कि जैसे तुम कहीं टॉप में पहुंचने की बात होगी, तुमने छत में पहुंचने गया, तुम छत में पहुंच गए उसके बाद तो कोई फिसल गया उधर से, तो हमने फिसलने की बात, उसके बाद की कंडीशन हम फुलफिल नहीं हो पाए। क्लियर हुआ सभी को? यस सर, यस सर, ठीक है, सर अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ध्यान से फिर से सुनना। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अब देखो वही पोल है 12 मीटर का, मान लो वही पोल है 12 मीटर का, अब मैंने क्वेश्चन चेंज ही कर दिया, मैं बोल रहा हूं अब भी 3 मीटर का ही जंप कर रहा है। जब वो 3 मीटर का जंप कर रहा है तो उसको 1 मिनट लगता है, 3 मीटर का जंप करने में उसको 1 मिनट लगता है, फिर 2 मीटर फिसल जाता है, 2 मीटर फिसल जाता है, और फिसलने में भी उसको 1 मिनट का टाइम लगता है। क्वेश्चन समझ में आया? उसने जंप किया 3 मीटर का और उसको 1 मिनट लगा जंप करने में, और फिर वापस फिसला, उसमें 2 मीटर फिसल गया और 1 मिनट फिसलने में भी लगा। अब बताओ टॉप में पहुंचने में कितने मिनट लगे? तो 19। 19, हाँ सर, 19। 19। और किसी का कुछ? क्लियर हो गया ना? अब देखो हर एक, उसको जैसे 3 मीटर ऊपर गया फिर 2 मीटर नीचे आ गया, तो 1 मीटर उसने कवर किया कितने मिनट में, 2 मिनट 1 मीटर, 1 मिनट ऊपर जाने में 1 मिनट नीचे आने में, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी कहां तक, 9 मीटर, 9 मीटर तक ये प्रोसेस चलते रही। अब हर 1 मीटर चढ़ने में उसको 2 मिनट लगते हैं, तो 9 मीटर चढ़ने में उसको 18 मिनट लग जाएंगे। अब नेक्स्ट जंप करेगा वो 3 मीटर का, टॉप में पहुंच जाएगा, तो जंप करने में 1 मिनट और लग गया, तो टोटल मिनट हो गए 19। क्लियर हुआ? हाँ सर।
अब देखो इसमें दो चीज, इसको इसलिए मैथमेटिकल रीजनिंग या अंकगणित या तर्क शक्ति बोलते हैं। इसमें मैथ्स बहुत ज्यादा ऐसा भी यूज नहीं चाहिए, जिसके पास रीजनिंग या तर्क शक्ति वाला इसमें जो हमारा ब्रेन यूज होता है वो ज्यादा ज्यादा यूज होगा। इसमें कोई ऐसा भी मैथ्स का कोई फॉर्मूला नहीं कुछ नहीं, हमें सिंपल सा मेथड लगाना है कि हमें जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें होती हैं उसी पर कैलकुलेट करें। क्लियर? नेक्स्ट करें। हाँ यस सर। सर। अब एक बचपन में तुमने क्वेश्चन पढ़ा होगा सिंपल सा कि इफ कॉस्ट ऑफ 15 एग, 15 जो अंडे हैं उनकी कॉस्ट 75 है, तो 4 डजन की कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन भी है। सर 240।240 यस सर 240। सभी का आ गया ना? यस सर 240। हाँ, तो 15 एग है, 15 एग हम 75 रुपए के मिल रहे हैं, तो एक एग मिल जाएगा हमारे पास कितने रुपए का? 15 रुपए का, तो पांच सॉरी 5 रुपए का, 5 रुपए का मिलेगा, तो 4 डजन में होते हैं, 1 डजन में 12, तो 48, 48 गुणा 5 इज 240, ये सभी का। अब एक और क्वेश्चन आता है उसी से रिलेटेड, एक आता है हमारे पास, जैसे एक हमारे पास घास का मैदान है, मान के चलो घास के मैदान में, ठीक है, एक घास का मैदान है, और इसमें कुछ हमारे पास मान लो चरवाहा है, कुछ गाय है, गांव है, और कुछ चरवाहे हैं, मतलब जो ह्यूमन होता है वो है, मान लो आदमी है, कुछ आदमी लोग हैं, तो इसमें कुछ गाय है और कुछ आदमी है। अब मान हमने बताया कि उसमें जितने भी पैर हैं, हमने पैरों को काउंट किया, तो अगर पैरों को काउंट करने में हमें आ रहे हैं, पैरों को काउंट करने में 200 पैर, सबके पैर काउंट कर लिए, गाय के भी आदमी के भी 200 पैर आए, अगर उनके सिर को काउंट किया, सिर को काउंट करने में हमारे पास 80 सिर आ रहे, 80 सिर आ रहे हैं, तो बताओ कितने गाय होंगे, कितने आदमी होंगे? सर 40-40। और किसी का कुछ? गलत हो गया। सर 60 मैन एंड 20 काउ। 60 मैन और 20 काउ, बिल्कुल सही, यही आंसर।
अब देखते हैं इसमें हो क्या रहा है, अब कैसे करते हैं। एक तो इसमें सिंपल सी मैथ से लगती है कि हम मान लेंगे एक्स वो है। मैं तुम्हें तो दो मेथड से कराऊंगा, एक जो सिंपल मेथड है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, मान के चलो एक्स काओ है, सॉरी का मान लो एक्स गाय है और वाई आदमी है, तो दोनों के सर एक एक ही होते हैं, तो हमने एक्स प्लस वाई दोनों के सर ऐड कर दिया, एस एस सी हो जाएगा। ठीक है, अब गाय के कितने पैर होते हैं, चार, तो 4x हो जाएगा, और हर गाय के चार चार पैर होंगे तो एक्स गाय होंगे, तो चार से गुणा कर दूंगा तो पैर की संख्या हो जाएगी, और आदमी के दो ही टांग होते हैं तो इट इज 2y हो जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो 200 होगा। ठीक, अब 200 हो जाएगा, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ या y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 80 माइनस एक्स, इसको इधर पुट कर दूंगा तो 4x प्लस 280 माइनस एक्स इक्वल टू 200, तो हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 160 माइनस 2x इक्वल टू 200। तो 4x ये 2 से गुणा हो जाएगा, 80 160, नीचे एक्स माइनस 2x, 4x हमसे 2x से गया, 2x 160 उस साइड जाएगा, तो 200 माइनस 160 और 2x से इक्वल टू हमारे पास हो गए कितने, 40, और x की वैल्यू आ गई 40/2 मतलब 20। तो 20 मेरे पास गाय है, टोटल सर 80 थे, तो 60 मेरे पास आदमी है। क्लियर? यस सर, ये तो हो गई लॉन्ग डिविजन मेथड जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अब इससे क्वेश्चन करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे बिल्कुल भी नहीं करना क्वेश्चन। रेज कर दो ना इसको। ये मैंने सिंपल सा बताया कि हाँ इस तरह से आप तो कर ही सकते हैं, आप किसी को याद नहीं रहा शॉर्टकट, तो देखो शॉर्टकट कैसे करते हैं इसको। अब हमें पता है जितने भी पैर होंगे, मान लो इसके या गाय या आदमी के जितने भी पैर होंगे, काओ या ह्यूमन के जितने भी पैर होंगे, हमारे पास 2 पैर तो सभी के कॉमन है, इसके भी 2 पांव होते ही होते हैं, इनके 2 पैर है ही है ना, ये समझ में आया। यस हाँ अब सर, दो दो पैर सभी के होते हैं, अब टोटल 80 सिर है हमारे पास, मतलब हेड है हमारे पास 80, तो अगर है हम 80 को हर किसी के 2 पैर कॉमन है, तो 80 को मैं 2 से गुणा कर दूं तो टोटल 160 पैर तो सभी 160 पैर तो निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक, अब 200 पैर थे टोटल, उसमें से 160 दो दो तो सभी के थे, बचे कितने, 40। अब 40 जो पैर निकलेंगे वो किसके निकल रहे होंगे, जिसके एक्स्ट्रा पैर है, एक्स्ट्रा किसके हैं, गाय के। गाय ठीक है, गाय के पैर है, गाय के होते हैं 4 पैर, 2 तो हमने हटा दिए, अब बचे कितने, 2। हर किसी गाय के 2 पैर तो पहले से काउंट कर लिए थे ना हमने, इसमें 2 पैर काउंट कर लिया, बचे हर गाय के 2 पैर, तो अपॉन 2 करता हूं उसको, तो मेरे पास कितने आ जाएंगी, 20 गाय आ जाएगी, तो 20 गाय आ जाएगी, और मेरे पास 60 वो आ जाएगा ह्यूमन आ जाएगी। समझ में आया, ये है शॉर्टकट। अब तुम्हें दिखने में बहुत बड़ा लगेगा ये, लेकिन है बहुत छोटा सा, तो मैं सिंपल सा करना है, 80 को डबल कर देना है, 80 गुणा 2 160, 200 में से 160 माइनस कर देना है जितना आया, उसके बाद जो आया है जितना भी आया 160, दैट इज 40, 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20, जिसके ज्यादा पैर होंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं सिंपल से करूँ तो तुम्हारा 10 या 20 सेकेंड में आंसर निकल जाए, इस तरह से करोगे, नहीं तो पहले वाली मेथड तो है ही जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे। क्लियर हुआ? आया? अब यस एक क्वेश्चन देता हूँ, करो उसको फटाफट, ताकि और जल्दी इसी मेथड से करना शॉर्टकट, बड़े वाले मेथड से मत। एक वही कुछ काउस हैं और कुछ मुर्गी हैं, और इनके देखो
तो उसके लेग है हमारे पास टोटल 84 और हमारे पास हेड है उनके 32। तो बताओ कितने काऊ कितने मुर्गी, जल्दी से बताओ, 10 सेकंड 20 सेकंड है। तो सर 10 काउ एंड 22 हेंस। 10 cow and 22 हेड, सॉरी 40। और किसी का कुछ? सर यस सर, टेन टेन काउ काउ एंड 22 10 cow है, 22 मुर्गी। अब देखो सिंपल सा, मुर्गी वगैरह हेंस। हमने उसी मेथड से किया ना सभी ने, सिंपल सा 32 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सर 64 आया, 84 से 64 माइनस चौसठ, करूंगा मतलब 20, चौरासी मैंने 20 तो 10 10 मेरे पास क्या जाएंगे काउ, और बचे वाले 22 मेरे पास मुर्गी है। ठीक है, दो। अब इसमें एक रोड वाला भी आता है, मान लो कोई रोड है, इसमें कुछ हमारे पास कार है और कुछ मेरे पास बाइक है या स्कूटी बाइक जो भी लगाना चाहिए। ठीक, अगर मेरे पास कार और बाइकों का जो टायर है, रोड पर टायर गिने मैंने, तो टायर की जो संख्या थी हमारे पास है 134 मान के चलो, और हमारे पास जो चलाने वाले लोग हैं जितने भी उनके सिंगल टायर पर जितनी भी गाड़ियां काउंट की, मैंने व्हीकल जितने भी काउंट किए वो मेरे पास है 40। निकालो, बन रहा है नहीं बन रहा बताओ। सर 27 कार, 20 27 कार और 13 बाइक। यस सर, 27 हाँ सी 30 27 कार एंड 13 13 13 बाइक इस तरह से क्वेश्चन आ 13 बाइक। सकता है। तो हमारे पास हो गया, हमारे पास क्या निकलेंगे, दैट इज 40। 40 को 80 से करूंगा तो 40 का डबल 80, 134 में से माइनस किया मैंने, रिमेनिंग इज 54। 54 अपॉन 2 इज 27, हमारे पास कार निकल जाएंगी, रिमेनिंग इज 13 इज बाइक। क्लियर हो गया नहीं? यस सर, Yes। तो नेक्स्ट हम करते हैं, एक रेशियो दे रखा है सुमित और अमित का, सुमित और रेशियो के एज का रेशियो दे रखा है उसने, अमित के एज का रेशियो है 3:4, एजेस का रेशियो हमारे पास है 3:4, 3:4 इफ द एज ऑफ सुमित इज 20 ईयर हैंस, 20 साल के बाद जो रेशियो था, जब रेशियो निकाला उसके 20 साल के बाद, 20 साल के बाद उसकी एज 62 ईयर हो जाती है, 20 साल के बाद उसकी एज 62 ईयर हो जाती है, किसकी, सुमित की। सुमित की एज 20 साल के बाद 62 साल हो जाती है,
तो अमित की प्रेजेंट एज क्या होगी, वर्तमान आयु कितनी है? निकला वो बहुत सिंपल है, 56 ईयर्स। 56 ईयर्स। और किसी का कुछ? 56।56। अब इसमें देखो, जिसका भी नहीं निकला, 20 साल बाद, तो 20 साल पहले कितनी होगी? इसमें से 20 माइनस करूंगा तो दैट इज 42 ईयर होगी। 42 ईयर ओके होगी 20 साल पहले। अब 42 ईयर 3 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा? तो इसका इसका डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम जाता है? इट इज 14 टाइम। अगर 42/3 करूंगा14 तो 14 टाइम, तो 14 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 56। तो 42:56 का हो रहा होगा। तो 42 साल का उस समय सुमित होगा, 56 साल का कौन होगा? अमित होगा। सिंपल है, पहले जितनी एज है उसमें से उसको माइनस कर लूंगा 42, उसमें डिवाइड करूंगा जितना रेशियो दे रखा है उससे, जितना आया उसको, जिसका भी एज पूछ रखी है उससे मल्टीप्लाई, दैट इज 56 ईयर। हुआ सर, ये कैसा? ऐसे भी ठीक है अगर उनकी मतलब 3x और 4x ले लिया उनकी प्रेजेंट एज, इसमें 20 ऐड करके उसको 62 के बराबर करके अगर हम x की वैल्यू निकाल दें, हाँ वो ये तो भी है ठीक ही, है। जैसे हाँ 3x+4x+20 एक बार ऐड करेंगे, इसमें भी 20 ऐड करना पड़ेगा। हाँ दैट इज 62। हाँ सर, मैंने मैंने बस 3x+20 इज इक्वल्स टू 62 लिया। अच्छा, ठीक है तब, ठीक है, ये टोटल वहां से एक्स एज। निकल रहा है हाँ तो वहां सर से ये निकल लेंथ रहा। ही हो जाएगा ना हाँ ये वाला लेंथ ही हो जाएगा, जो ये तो प्रॉपर मेथड है ही देखें। जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ थोड़ा शॉर्टकट कर ले। ये वाला सॉल्यूशन। ठीक ओके ठीक है सर। है, अब हमारे पास एक टेम्पो वाला भी क्वेश्चन आता है, ये बाईसाइकिल एंड रिक्शाज वाला। तो हमारे पास देयर आर 10 बाईसाइकिल, मतलब बाइक है मान के चलो, बाईसाइकिल जिसके दो टायर होते हैं दैट इज बाईसाइकिल, एंड ट्राई साइकिल मतलब जिसके तीन टायर होते हैं, ये दोनों मिला के 10 है। ठीक है, तो हमारे पास 10 हमारे पास बाइक एंड ट्राई साइकिल है ये बोल रहा है, और बोल रहा टोटल व्हील्स, टोटल जो टायर हैं व्हील्स हैं वो हमारे पास 24 मान, व्हील्स है हमारे पास 24, तो कितने बाइक होंगे कितने ट्राई साइकिल होंगे बताओ। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजेस है जो हम अभी तक कर रहे थे उसी में। फोर ट्राइसाइकल्स, ट्राई साइकिल, हाँ, और बाकी बची बाइक्स। बाकी बचे बाइक्स। आया सभी का? सिक्स बाइक एंड फोर ट्राइसाइकल्स। अब इसमें क्या कर रहे हैं, देखो दो तो सभी पे टायर है ही, तो हमने वही किया, 10 का डबल कर दिया मल्टीप्लाई 2 दैट इज 20, 24 में से 20 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएंगे 4। अब ये 4 में कोई डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि अब जो ट्राई साइकिल होंगे उस पर तीन ही टायर होते हैं, तो दो तो कर दिए, एक ही की कॉमन हो, तो ये सीधे क्या निकल जाएगा मेरे पास, ट्राई साइकिल निकल जाएगा, निकलेगा तो 4 ट्राई साइकिल होंगे, बचे वाले 6 बाइक हो जाएंगे, तो 4 ट्राई साइकिल एंड 6 बाइक। वही मेथड लग रहा है, बस अब ये इसमें टायर चेंज ही कर सकता हूँ, किसी का बोल देगा कि जो 6 टायर वाला ट्रक होता है वो बताओ और कार के साथ कंपेयर कर लेगा, तो कॉमन टायर होते हैं पहले उनको निकालना, जो बचे हैं उन टायर से डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज द आंसर।
अब यहाँ हमारे पास एक ही टायर बचा तो डिवाइडेड वन करूंगा तो हमेशा 1 4 ही है, ऐसे सीधे 4 ट्राइंग्स साइकिल। क्लियर हुआ? जो अभी तक कर रहे थे लैग वाला ही, सर। वही वाला क्वेश्चन है, बस मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रखे हैं उसका। अब ये पूछ रहा है, एक बुक में, जो बुक है बुक में पेज नंबर लिखा रहता है ना, तो उसमें लिखा है लास्ट पेज लिखा है 1089 पेजेस। एक बुक में 1089 पेजेस है, कितने ऑड नंबर पेजेस है? पूछ रहा है ऑड नंबर, समझते हैं विषम संख्या, कितने ऑड नंबर पेजेस होंगे? पूछ रहा फाइव, कितने? तो 545, 545, तो 545, 545। और किसी का कुछ? अब देखो, ऑड नंबर निकालने के लिए या इवन नंबर निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इस पर डिपेंड करता है ये नंबर कैसे, ये नंबर है हमारे पास 1089, कैसा नंबर है? ऑड विषम संख्या है, ऑड नंबर है 1089। जब भी ऑड नंबर होगा तो उसमें 1 ऐड कर देंगे हम, प्लस 1 अपॉन डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, दैट इज 1090 अपॉन 2, तो मेरे पास आ जाएगा 545 पेजेस। तो 545 पेजेस जो निकलेंगे वो किस कैसे नंबर होंगे? ऑड नंबर वाले, ठीक है। अगर इसमें इवन पूछ लेता हूं मैं, तो 1089 में से 445 तो मेरे पास ऑड आ गए, तो इवन बचे कितने हैं? 544, दैट इज इवन पेजेस, सम संख्या वाले इतने पेजेस। क्लियर? हाँ सर। अगर अब क्वेश्चन आ जाता 1090 पेज है टोटल, टोटल एक बुक में 1090 पेज है, बताओ कितने ऑड नंबर पेजेस होंगे? फिर क्या हुआ आंसर? तो सीधे 2 से डिवाइड। हाँ, जब ये ऑड इवन नंबर होगा तो हम सीधे 2 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 545। तब भी 545 ऑड नंबर होंगे और 545 भी क्या होंगे? इवन भी होंगे, 545 भी इवन नंबर भी होंगे, 545 भी ऑड नंबर भी। तो ध्यान देना जो पेज दे रखा है उसमें कौन सा है नंबर है, अगर ऑड होगा उसमें +1 करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ऑड नंबर निकलेगा, इवन नंबर होगा तो ओनली डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आधे आधे हो जाएगी। जैसे 100 पेजेस हैं तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 50 पेज इवन निकलेंगे, 50 पेज ऑड निकलेंगे।